नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं खाली एपिसोड 15 पर, जिसे हमने सजेस्ट किया है हमारे सब्सक्राइबर्स ने, जिनका नाम है विक्की, आरुज मलिक, एश के, आबरिश फातिमा, विक्की जेम्स, शेराज हाशमी, मुर्शद प्लेस, शमर्स, हाया शायद, यम अबू बेकर, ओके, महानाज, ब्लॉक 07 एंड हिटलर, प्रिंस आतिफ, सोएब T68, शाह जैन, ओमर मिर्जा, अंजुम अंजुम एंड अंजुम अंजुम। सो विदाउट डिले टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दादू मैं कह रही हूँ मुझे ये नहीं खाना है। देखा है ये रोज रोज के बहाने हैं इसके। अब थोड़ी देर में कहेगी कि मुझे बाहर से ऑर्डर करना है। नहीं पापा जी आज नहीं। आई मैं बेटा जिद नहीं करते। चलो शाबाश अच्छे बच्चों की तरह खाना खाओ। देखा कितनी बिगड़ गई है। बात ही नहीं सुनती पापा जी। मुझे किसी की भी बात नहीं सुननी। आप लोग मुझे समझते ही नहीं है। नाइमा बेटा मैं देखता हूँ अब खाना खा। ये नींद का एक लड़ा गया बहुत सारा। नींद का नहीं लगी। पापा जी मैं तंग नहीं करती। उसको संभालने की कोशिश कर रही हूँ। जी दादाजी उसका है। क्या हम बात कर सकते हैं? कोई इशू है तो बाबा से शेयर कर। इशू है बाबा? आई मिस मामा। क्यों चली गई मामा हम सबको छोड़ के? बताए ना बाबा सबकी मामा है बस सिर्फ मेरी नहीं। गॉड को सिर्फ वही मिली थी। क्यों गॉड ने मुझे पनिश किया? ऐसे नहीं कहते बेटा। गॉड किसी को पनिश नहीं करते। गॉड तुम्हें सकता माओ से ज्यादा प्यार करती है। मामा ने कभी आपको पनिश किया था? तो वो तो एक मामा थी बेटा। और जो गॉड 70 माओ से ज्यादा प्यार करते हैं आपको कैसे पनिश कर सकते हैं? तो फिर क्यों चली गई मामा? बताए ना बाबा। बेटा ये बात तो अल्लाह नहीं जानते। किसी को इस दुनिया में कब आना है और कब जाना है ये बात अल्लाह ताला ही जानते हैं। लेकिन जब वो किसी से कोई चीज लेते हैं ना तो उसके बदले में बहुत अच्छा होने वाला होता है। तो फिर क्या गॉड मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट देने वाला है? मैं भी और मामा। मुझे पता नहीं कि सुबह से सारे भाई बहुत याद आ रहे हैं। मैं बाहर आके इसी बैठी हूँ ताकि मामा पापा ना देखे। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्लीज रोने जब पैर होने रोने से दिल हल्का हो। लेकिन यकीन करो वो यही कही है हमारे पास। हमारे साथ ही है वो। खानी तो काफी ब्रेव नहीं खानी। सारे भाइयां नहीं है।
अल्लाह ताला ने पता नहीं क्यों सारे भाई को हमसे ले लिए। फिर तुम भी चली जाओगी, फिर हम क्या करेंगे, अकेले रह जाएंगे ना हम तो। मैं कहाँ जा रही हूँ? वही तो, आज नहीं तो कल मामा पापा तुम्हारी शादी के बारे में भी तो सोचेंगे ना। वो ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे, और अगर सोचेंगे भी ना तो मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम दोनों को और मामा बाबा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और अब रोना बंद करो। नहीं, पार्टी का काम करते करते खाने को आज मेर हादी इतना तैयार। क्या हुआ? पार्टी ऑफिस नहीं जाना? That's like my boy. मैंने आपसे कहा था ना, he will overcome everything. Good. What's his name? Very good. मीरा दी का वहीं पर बैठा है, उसी वहीं पर बैठा है, तो उसी कार में बैठेगा। बॉडी गार्ड को तो पुलिस को बोला था ना, डिग्री बैठे हैं वो। उतार भी नहीं बैठाया क्या? मेरी शक्ल डाउनी है जी? नहीं 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 सर। तो मेरा मुझे देख के घबरा क्यों जाती? सर वो उस दिन बिना जाने आपको मैंने रोक लिया था, इसी में एम्बैरेस हो गई थी। तो फिर सॉरी बोलना चाहिए? जी जी, आई एम रियली सॉरी सर। नो नीड टू से सर, माय नेम इज अरहम। मैं भी लेकर आती हूँ, आप चाय पियेंगे? No, I'll have coffee. Okay. अच्छा जी, यहाँ पे आ जाओ। इनकी बातों में तैश नहीं आ रहा, अंकल से काम लेना।
अभी तुमने कुछ नहीं कहना, खामोश रहना है। किसी को क्या कहना है, कब बोलना है, क्या बोलना है, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। बेटा जी, दफ्तर में आने से पहले इधर उधर भी चेक कर लिया, कभी कोई सुनता है, कभी कोई नहीं होता। वो अदिल आ जाए नहीं तो अस्सी मैंने बना दी। चाय बड़ी चेज कुड़ी चीनी बड़ी चेज भाई। व्हाट हैपेंड पापा जी? Nothing happened to him. Nothing happened. दो फिर दो। क्यूट है। अरे मेरी गुड़िया क्या कर रही है? पैटर्न बना रही हूँ दादू। पैटर्न? हाँ पैटर्न, हानी ने बनाना सिखाया है। ये हानी कौन है? वो जो बाबा जी के ऑफिस में काम करती है। लेकिन वो तो सनम है। हाँ उनको सब प्यार से हानी कहते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा अनोखा नाम है। पता नहीं लेकिन वो बहुत अच्छी है। अच्छा फिर ये बताओ कि मेरी गुड़िया के साथ क्या अच्छा किया है? उन्होंने ये पैटर्न बनाना सिखाया और ये चॉकलेट्स भी दी। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। दादू आपको पता है मैं क्या सोच रही हूँ? क्या? मैं सोच रही हूँ कि मैं हॉलीडेज पर बाबा के साथ ऑफिस जाया करूँ और खानी के साथ खेलूँ। वो पापा की पीए है, आप नहीं। तो क्या हुआ, बाबा किसी और को रख लें, मैंने घर ले आऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं बाबा से कह दूंगी। ठीक है अब बहुत रात हो गई, अब सोने की तैयारी करो। शाबाश, जल्दी जल्दी समेटो ये सारी चीजें। अच्छा यहाँ कैसे निकालूं? खाने इतनी काम करती है बस कर तो थक जाओ के। बिल्कुल नहीं थक, हाथ पैर में स्वेलिंग देखिए आप अपनी। खाने बेटा इसे हॉस्पिटल ले जाओ। कोई जरूरत नहीं मुझे हॉस्पिटल ले जाने की, सारे दिन सीढ़ियां उतरती चढ़ती हो ना यहाँ पर, इसलिए स्वेलिंग हो जाती है और कुछ भी नहीं है। और अब बस बस कर दो, ऑफिस से थकी भी आती हो फिर टांगे दबाने बैठ गई हो। अरे कुछ नहीं होता, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। अच्छा खाने ऑफिस में लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे। और वो जो हामिद साहब है ना, वो तो सबसे अच्छे। बहुत बड़ा बिजनेस है उन लोगों का, साथ में उनके पोते भी होते हैं। बस बेटा अल्लाह करे ये सब ठीक रहे, तब तो जरा से कुछ हो जाता है ना तो मुझे डर लगने लगता है। अच्छा बस बस कर दो थोड़ी देर। खानी जी, खानी बेटे देखो मौसम कैसा हो रहा है। मैं तो कह रही थी कि आज ऑफिस ना जाओ, पता लगे बारिश हो गई तो फंस जाओगे दफ्तर में। अरे नहीं मामा, सर छुट्टी करे ऐसा हो ही नहीं सकता, उनकी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं, सारी मुझे मैनेज करनी है। हाँ अब तो ऐसा लगता है कि दफ्तर अब तुम्हीं से चलता है। अच्छा जाओ देखो ध्यान से जाना। हाँ मुल्क भर में एक मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पार्टी जॉइन कर ली है कि अगली बार मेरी हाजिरी भी आपके साथ इलेक्शन में।
बारिश बहुत तेज हो रही है, आई कैन ड्रॉप यू होम, कम ऑन आ जाए। बारिश बहुत तेज हो रही है, थैंक गॉड की बारिश रुक गई है। थैंक यू सो मच। आप सवाल पूछ रही हैं या इनवाइट कर रही हैं? मैं भी यही सोच रही थी। नहीं, प्लीज अंदर आएंगे। फिर कभी सही। एक्चुअली वो प्राइमर वेट कर रही होगी मेरा। आई हैव टू गो। प्राइमर को मेरी तरफ से चॉकलेट्स दे दीजिए। बहुत प्यारी लगती है। आई विल। थैंक यू। अलाफ़। आंसू छुपा रही है मुझसे, लेकिन ये जो सिसके मैंने सुनी ये तो नहीं छुपा सकती ना। क्या हो गया आपको? तो मुझे समझाती है, हम सबको समझाती है, और आप खुद रो रही है। क्या करूं खान, मेरे को करार नहीं आता। समझा लेती हूँ, लेकिन माँ का दिल है ना, इस माँ के दिल को नहीं समझा पा रहे। खानी वो मेरे वजूद का हिस्सा था, वो चला गया, वो तो चला गया, लेकिन तड़प कम नहीं होती, नहीं कम होती। तुमने देखा आज बारिश हुई, सारिम को बारिश कितनी पसंद थी ना, हमेशा तुम लोगों को लेकर बाहर खेलता था, हंसे करता था, लेकिन कीचड़ से चिढ़ती, उसकी खबर गीली हो गई होगी।
ठीक कराने वाला कोई नहीं है। उसको कौन ठीक करवाएगा? खाली कौन जाएगा वहां? कौन जाएगा? हाँ जहाँ पता किया सर, इनके मोहल्ले में सबने यही कहा। कोई रिश्तेदार होगी उसकी, कोई दोस्त, उसकी माँ के स्कूल जाओ पता करो। सर सबसे पता किया, सबसे पूछा, एक एक बंदे पूछा, सबने यही कहा कि पता नहीं। ठीक है जाओ तुम लोग। और सुनो। जी सर। बाकी शहर में भी बंदे एक्टिवेट करो। बहुत चलाक निकली यार ये। अली क्या है यार, सही तो कह रहा हूँ, तिन्नी का नाच नचा दिया उसने हम सबको। लेकिन कब तक, कब तक छुट्टी पे रहेगी? मिल जाएगी, जब तक मिलेगी नहीं तब तक मैं रुकूंगा नहीं। तूने भी तो जिद पकड़नी है ना कि खुद ही ढूंढना। पुलिस से बात करो। नहीं, मैं उसको खुद ढूंढूंगा। वैसे अंकल भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ कहते तो है, अब बाकी कर रहे हैं या नहीं वो कोई बेहतर बता सकते। क्यों तू अपने बाप पे शक करता है यार? क्योंकि मैं जानता हूं अली, मेषा के लिए उसकी खुशी से ज्यादा अजीज कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल जस्ट फॉरगेट इट। कुछ खाएगा? जाग रहा है। देखा, फिर फूल बना दिया ना आपको। 100% इतनी देर क्यों हुई आज आपको? मैं कब से वेट कर रही थी, फिर पापा जी ने बेड पे भेज दिया। यार वो आज किसी को ड्रॉप करना पड़ गया था, इस वजह से देर हो गई। ओ मुझे याद है, आई हैव समथिंग फॉर यू। ये आपकी सलम आंटी ने भेजी। सलम आंटी? हाँ वो जो हमारे ऑफिस में काम करती है। ओ अच्छा, खानी। खानी? हाँ उनका निकनेम है, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, इसलिए मुझे पता है। इतनी जल्दी इतनी पक्की दोस्ती हो गई उनसे? वो है ही इतनी अच्छी। बाबा कैन आई आस्क यू समथिंग? हाँ मेरा बेटा पूछो, क्या बात है? क्या मैं रोज उनसे नहीं मिल सकती? बेटे वो हमारे ऑफिस में काम करती है ना। तो ऑफिस के लिए किसी और को रख रहे हैं पापा जी, उनकी ड्यूटी मुझसे मिलने की लगा दें। अच्छा जी, शी इजंट योर मेड? नहीं नहीं, नो दैट्स नॉट पॉसिबल ना। प्लीज बाबा प्लीज। अच्छा यू करते हैं कि मैं सैटरडे को आपको उनसे मिलवाने ले जाऊंगा, ठीक है? ओके अब आप सो जाए क्योंकि फिर आप सुबह उठती नहीं है उसको।
छोटे से बात तो बता मिठ, मैं खानी को ढूंढ लूंगा। बोलना मिठन, चल बोलना। तेरी चुप कह रही है जैसे तुझे लगता है कि छोटा मीर खाने को नहीं ढूंढ पाएगा। तू मेरे साथ है छोटे शाह, मिठल आखिरी सांस तक आपके साथ है। कितना खुशकिस्मत है यार तू, तू मुझसे प्यार करता है और आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेगा। लेकिन मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मुझे मिल ही नहीं है। लो बेटा ये इसको टाइप करूं एंड शो इट टू मी। जी सर, मैं बस 10 मिनट में आती हूं। इट्स ओके, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। पापा जी, ओए मेरी सोनी कुड़ी की तो आ गई। हाय पापा जी, आज रानी कोई काम नहीं करेगी। तो क्यों? क्योंकि आज मेरा होमवर्क खानी करेगी। आई एम सॉरी खानी, आई मीन सनम, एक्चुअली बहुत जिद कर रही थी तो आई होप कि आप माइंड नहीं करेंगी और आप लोगों की इतनी दोस्ती तो हो चुकी है। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगी। दैट्स लाइक माय बेस्ट फ्रेंड। असिस्टेंट चाहता हूं, मेरा असिस्टेंट चेंज कर दो। हम यहां नहीं बैठेंगे, हम वहां बैठेंगे जहां आप बैठती हैं। हां ठीक है, जल्दी से बैग लेके आओ अपने। शाबाश।
सर ये मैं टाइप करा के लाती हूँ। ओके ओके ओके, वी गेट फ्रेंडली टुमारो आल्सो। ओके आज शाबाश। तो घोड़ा पे बैठता नहीं लेकिन बहुत खूबसूरत है, सोच रहा हूँ तीनों खरीद लूँ। थोड़े अच्छा हदी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जी क्या ये तो खून इतना कमजोर हो जाएगा ये मैं सोच भी नहीं सकता था। ये बोलता है वो भी एक आम लड़की के पीछे हम नहीं है बाबा, आप समझ नहीं सकते। मीरा दी समझ सकता हूं मैं, लेकिन तुम्हें इस तरह देख के परेशान होता हूं। पार्टी के काम में लग गए हो, जिंदगी की तरफ वापस आ रहे हो, लेकिन फिर भी आ नहीं रहे। ये ठीक नहीं है बेटा, ये ठीक नहीं है। सही और गलती बचाने की कोशिश कर रहा हूं बाबा। दुनिया बहुत छोटी है बेटा, मिल जाएगी, जाना कहां है। इससे कोई हेल्प नहीं कर सकते, ये चाह रहे हैं कि मूव ऑन हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे जल्दी आ गए। नहीं आप शाम की चाय देर में पी रही हैं। हाँ इतना कुछ लेकर क्यों आती हो? बाबा को पसंद है जलेबे लाई हूँ। और मुझे भी बहुत पसंद है। और मुझे भी तो पसंद है। तुम लोग भी खा लेना और सुनो बाबा के लिए निकाल देना। तुम्हारे बाबा के आज तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था, तो आपने बताया क्यों नहीं मुझे? तो दफ्तर में क्या तंग करती तुम्हें, दवा दे दी थी मैंने। बाबा के लिए यहाँ भी कोई अच्छा डॉक्टर देखना होगा मुझे। हाँ मेरे ख्याल में दफ्तर में किसी से पूछ लो बेटा। और दफ्तर ठीक चल रहा? बहुत अच्छा, हामिद साहब बहुत अच्छे हैं, और अब तो मेरी उनकी पोती से भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। अच्छा पोती का काम भी तुमसे ही करवा रहे? पत्नी सना ऐसे कहता है कोई? अरे वो बहुत क्यूट है, वो हामिद साहब का जो पोता है ना, उनकी बीवी की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, उन्हीं की बेटी है। उसका वो पोता है, मतलब वो दादा है, दादा नहीं पर दादा है छोटी लड़की का। यही जिंदगी है, काफी बड़ा सीन ले लिया है। हर कोई किसी ना किसी इम्तिहान से गुजर रहा है, हमें लगता है कि हमें मुश्किल है, लेकिन ऐसा है नहीं। खानी अब प्लीज आप दोनों की डिप्रेशन वाली बातें बंद कर दे। हाँ प्लीज मामा, खानी आप कैसी बातें करते हैं तुम? अच्छा भाई सॉरी, अपना असाइनमेंट बताओ कैसा बन रहा है? ऐसा बन रहा है। जी आई तब कहा जाओगी क्या तुम लोग? मीर हादी। अरे ऐसा कहीं जाना आना मुश्किल हो गया। कहीं जा रहे हो? कहाँ? कुछ काम है थोड़ा। आजकल तो बस तुम्हारा एक ही काम है, उस लड़की को ढूंढना। पता है तो पूछ के नहीं है। और अगर वो ना मिली तो? मिलेगी। इस बारे में सोचने ही क्या, मां जो नामुमकिन है
मेरे बच्चे इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। एटलीस्ट ये तो सोचो कि तुम्हारे इस सबसे पॉलिटिकल करियर पे क्या इफेक्ट होगा। पॉलिटिकल करियर बहुत बाद में आता है, सबसे पहले खानी आती है। रियली? तो फिर पार्टी क्यों ज्वाइन की थी? क्यों? इस बात पे निशा को शक है? ये सवाल मैं तुमसे पूछ रही हूँ मीर हादी, क्योंकि मुझे तुम में कोई और रंग नजर आ रहा है। बताओ, तुमने पार्टी किसी और काम के लिए ज्वाइन की है क्या? आप मुझे बहुत बेहतर तरीके से जानते हो, बल्कि सिर्फ आप ही मुझे समझते हो। हाँ, ये सच है, मैंने पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इसलिए ज्वाइन की है कि मैं शहर शहर जाके खानी को ढूंढूं। पर अगर आप चाहते हो कि कुछ खराब ना हो और सब कुछ ठीक रहे, तो हमेशा को कुछ नहीं बोलोगे। पार्टी बुझाना चाहते कैसे So, आज का एपिसोड सच में 14 से बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग था। 15? हाँ, 14 से काफी इंटरेस्टिंग था। हाँ, बहुत ज्यादा ही था। और आज हमें ये चीज पता चला कि हाँ, अब खानी को वो जो बंदा रहता है वो लाइक करता है, जो एक बच्ची का बाप होता है वो लाइक करने लगता है। मे बी अब खानी का शायद उससे मतलब कुछ रिलेशन, या फिर हो सकता है कि हादी बीच में आकर कुछ इन लोगों को हार्म करे, या हादी कब उसे ढूंढे खानी मुझे पता नहीं चल रहा। हाँ, मुझे तो लग रहा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है, बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हादी इन दोनों के बीच में आएगा, बिकॉज हादी मेन लीड में है। तो मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि हादी इन दोनों के बीच में आकर, और मेरे हिसाब से हादी और सना के बीच में ये आ रहा है। नहीं, मुझे लग रहा है कि अब हादी इन दोनों के बीच में आएगा, बिकॉज खानी भी सिर्फ इसको ही लाइक करेगी। अभी तो कुछ नहीं खानी इसी लाइक, बट अगर खानी चूज करेगी तो 100% इसको ही चूज करेगी। मुझे बिल्कुल नहीं लगता, मुझे तो 100% लगता है कि खानी हादी कभी चूज नहीं करेगी, बिकॉज उसका भाई को, उसके भाई को उसने मारा है। नहीं, हो सकता है कि हादी चेंज हो गया तो उसे चूज करेगी। हादी चेंज, पहले भी उसे पसंद करती थी, लेकिन बाद में पता चला। हम लोग आई थिंक आधा देख चुके हैं हम लोग खानी, 15 है। हाँ, 15 तो, और आई थिंक 15 होंगे और क्या। सो यार, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा आज का, और आज से मतलब बहुत कुछ मोड़ लेने वाला है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए। आई थिंक आप सब भी होंगे, और मतलब छोटी वाली है उसी के चलते आगे बढ़ेगा ये। ओके, हाँ, बिकॉज वही खानी को बहुत ज्यादा लाइक कर रही है। सो यार, मतलब बहुत कुछ होने वाला है इस सीरियल में, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। कब से तो मतलब यूँ एक ही सीन, मतलब एक ही सीन दिखाया जा रहा था, बट अब बहुत कुछ न्यू दिखाने वाला है। सो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, आई थिंक आप सब भी होंगे। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और हमारा भी लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को और शेयर कीजिए जितना हो सके। तब तक के लिए।